दिस इज सलोनी अग्रवाल एट शिक्षक जंक्शन बिकॉज अब नहीं तो कब। अब हम अपने कंटेंट पर वापस आते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। सो लेट्स सी इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर मतलब नॉट एंड रैशनल। जो रैशनल ना हो दोज नंबर्स आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। जैसे कि या फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये भी कह सकते हैं द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तो वो नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब वो नंबर्स जिन्हें आप अपॉन में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव एंड सो ऑन। ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये इरैशनल नंबर्स हैं, मतलब कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को या दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पर आपको ये नंबर्स नहीं मिलेंगे, तो उनको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट टू इज इरैशनल। अब हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि रूट टू इरैशनल है, तो हम इसको कंट्रेरी मेथड से करेंगे, कंट्राडिक्शन के मेथड से करेंगे। कैसे? लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। ठीक है, अगर रूट टू रैशनल होता देन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p अपॉन क्यू या फिर a अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, तो रूट टू भी a अपॉन बी की फॉर्म में हो जाता। ठीक, बट a एंड b जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या हो? 1। ठीक है, तो वो कोप्राइम्स होते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर होता तो रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन बी कर लेते, फिर देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 2 is equal to a square upon b square, real term यहाँ जाएगी, this implies a square is equal to 2b square। अब आपने पढ़ा है, देखिए dividend is equal to divisor into quotient है, इस केस में remainder क्या है? 0, तो this implies क्या हुआ कि a square जो होगा वो divisible by 2 होगा। ठीक है, जब a square divisible by 2 है तो this also implies a is divisible by 2। ठीक, उसके बाद अगर a डिविजिबल है 2 से तो कोई कांस्टेंट आएगा, सपोज लेट इट बी c। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट a इज इक्वल टू 2c, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 4c2। एक आपके पास वैल्यू ये आ गई और एक हमारे पास वैल्यू a square is equal to 2b square। इसको अगर हम मार्क कर लें तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 अगर हम 1 और 2 से a square की वैल्यू कंपेयर करें तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज 2b square is equal to 4c square, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में LHS देखो आप इक्वल है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है, तो जब LHS इक्वल है दो इक्वेशन के दैट मींस उनके LHS भी कैसे होंगे? इक्वल। देयरफॉर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, अगेन सेम थिंग b स्क्वायर कैसा हो जाएगा यहाँ पर इज डिविजिबल बाय 2, जब b स्क्वायर डिविजिबल है दैट मींस b इज डिविजिबल बाय 2। यहां तक आ गया। अब देखो यहां पर जो हमने एक टर्म लिखी है कि यहां पर हमने लिखा है कि a is divisible by 2 और यहां पर हम लिख रहे हैं b is divisible by 2।
2. So that means in दोनों equations को अगर हम ले लें, हम equation small 1 ले लें और इसको अगर small 2 suppose कर लें, then from equation second A and B, the common factor 2. अब इन दोनों के हिसाब से हमारा common factor क्या है? 2. But हमने यहाँ पर कह लिया है कि A और B कैसे हैं? Co-primes. मतलब उनका कोई common factor नहीं हो सकता except one. So this contradicts our assumption that A and B are co-primes. ये इस बात को oppose कर रहा है कि हमारे A और B co-primes हैं. So this implies जो हमारा root 2 होगा वो क्या होगा? Is क्लियर हो गया इक्वेशन. इससे आप कोई भी इरेशनल नंबर जैसे रूट टू है, रूट थ्री है, रूट सेवन, रूट इलेवन, सारे इसी ही मेथड से होते हैं, एज इट इज ही चलेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. प्रूव दैट 3 plus root 2 is irrational. इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि 3 plus root 2 कैसा है? Irrational. फिर इसमें भी सेम प्रोसेस. Let us assume 3 plus root 2 is rational. ठीक है, irrational है. अगर rational है कोई टर्म तो that means it can be represented in the form of a upon b. तो यहां से अगर हम रूट टू की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज ए अपॉन बी माइनस थ्री. ये थ्री इस साइड चला जाएगा और नेगेटिव का हो जाएगा. एलसीएम ले लोगे आप, ए माइनस थ्री बी अपॉन बी इज इक्वल टू रूट टू. अब देखिए ए और बी आपके कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं. तो जो ये टर्म होगी हमारी ये वाली, दिस इज क्या है? ये रैशनल है. क्यों? क्योंकि सिंस ए एंड बी क्या है? आर इंटीजर्स. ठीक, जब एलएचएस किसी टर्म का रैशनल है, दिस इंप्लाइज कि जो इधर वाली साइड होगी वो भी कैसी होगी? रैशनल. तो दिस इंप्लाइज कि रूट टू क्या हो गया हमारा? रैशनल. बट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करा था कि रूट टू कैसा होता है? रैशनल. तो लिख दो यहां, बट वी नो दैट रूट टू इज रैशनल. So this contradicts our assumption. Hence, 3 plus root 2 is irrational. इस तरीके का कोई भी सम होता है आप इसी तरीके से कर सकते हो इसको, जिसमें एक टर्म रैशनल हो, एक इरेशनल हो, टर्म का सम हो, प्रोडक्ट हो, या फिर डिफरेंस हो, वो सारे इसी तरीके से हो जाएंगे. ठीक है, let us see one more example. If a is equal to root 11 plus root 3, a की वैल्यू गिवन है ना, b is equal to root 12 plus root 2 and c is equal to root 6 plus root 4, then हमको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा. ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे रूट की वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं. a स्क्वायर निकालेंगे हम, b स्क्वायर, देन c स्क्वायर. तो फाइंड करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 11 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 11 इंटू रूट 3, दैट इज 14 प्लस 2 मोर 33. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. सिमिलरली बी स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 2 इंटू root 12 into 2, that is 40 plus 2, 20. And c square find करेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 14 प्लस 2 रूट 33, बी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 14 प्लस 2 रूट 24, और जो हमारी सी स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 10 प्लस 2 रूट 24। अब देखो जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म्स में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ रूट 33 एंड रूट 24। तो देखिए जैसे हमें पता है कि 33 इज ग्रेटर देन 24, तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज की रूट 33 जो होगा वो रूट 24 से ग्रेटर होगा। तो दिस अगर आप वहां से देखोगे तो यहाँ पर बाकी टर्म सेम, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो क्लियरली ए स्क्वायर जो हुआ वो किससे ग्रेटर है, बी स्क्वायर से, ठीक। अब बी स्क्वायर जो है वो 14 प्लस समथिंग है और जो सी स्क्वायर है दैट इज 10 प्लस समथिंग, तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज की जो बी स्क्वायर है वो बड़ा हो गया हमारा सी स्क्वायर से। अगर यहाँ पर भी 40 नहीं यहाँ पर भी 40 होता तो फिर कुछ कंपैरिजन, तब तो ये इक्वली हो जाते हैं, लेकिन ये 40 नहीं है 10 है, तो दैट आल्सो इंप्लाइज कि जो बी स्क्वायर है वो ग्रेटर है सी स्क्वायर से। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर आप देखोगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ग्रेटर है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो दिस इंप्लाइज कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करते हैं तो हमारी ये चीज क्या रहेगी, अब स्क्वायर रूट कर लीजिए, दिस इंप्लाइज कि जो ए होगा दैट इज ग्रेटर देन बी दैट इज ग्रेटर देन सी। सो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। इफ यू फाइंड एनी डाउट्स रिगार्डिंग इरेशनल नंबर्स डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।